हेलो नमस्कार वणक्कम वेलकम टू लाइंस एंड एंगल्स पार्ट टू एक्सप्लेनेशन वीडियो विच इज पार्ट ऑफ द मैथ्स सिलेबस फॉर सीबीएसई क्लास सिक्स एज पर द न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो टाइम बिना वेस्ट किए चलते हैं सीधा, जैसे मैंने कहा इसको हम थ्री पार्ट्स में कर रहे हैं। आई एम होपिंग कि आपने पहला पार्ट ऑलरेडी देख लिया है जिसमें हमने पॉइंट लाइन सेगमेंट लाइन और रेज के बारे में चर्चा की, एंगल्स के बारे में भी। इसमें हम और विस्तार से एंगल्स के बारे में समझेंगे पार्ट टू एक्सप्लेनेशन वीडियो में। सो सीधे चलते हैं। ओके, तो 2.6 तक हमने पहले भाग में किया था, अभी 2.7 से शुरुआत करते हैं। हालांकि 2.7 इज मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जो कि आपको अपने क्लासरूम में करना है, तो वी विल स्किप दिस पोर्शन। आई मीन इट जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड बेटर। तो ये आप क्लासरूम में देख सकते हैं, यहां से शुरू करते हैं। Special types of angles and please keep a notebook and pen with you. Now let's go back to Vidya. Now inka ruk humne pehle bhag mein kiya tha when she was opening a textbook and showing you the different angles. So when you see the different kinds of angles, so abhi aapko alag alag type ke angles ke bare mein jankari hona zaruri hai. So the way she opens it, so you see when it is completely open, that is called a straight angle. And when it is open at different angles, that has different names like acute angle, right angle and obtuse angle. मैं अगर आपको actually थोड़ा बाद में है तो उस time पे पढ़ेंगे. Okay. So now if you see, it says, the question says, let us consider a straight line AOB. Okay. AOB, observe that any ray OC divides into two angles AOC and COB. For example, इसको देखें, दिस इज AOB, है ना, दिस इज AOB विच इज द स्ट्रेट लाइन। नाउ यहां पर एक एंगल है, ओके। नाउ यू सी दिस पर्टिकुलर एंगल इज बिगर देन दिस एंगल, ऑब्वियसली AOC इज बिगर देन COB, एग्रीड, यस और नो? नाउ व्हाट दिस इज पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड अ लीनियर पेयर, ओके। नाउ यू मे आस्क व्हाट एग्जैक्टली इज अ लीनियर पेयर। Now, a linear pair essentially means that it will be on a straight line, 180 degrees will be the total, but these two are a pair. These two are a pair which is having one particular angle in between. So they always add up to 180 degrees, the linear pair. Now, all linear pairs, iska dusra naam hai adjacent angles also. Adjacent ka kya matlab? Aju baju. यानी कि एक दूसरे के साथ साथ खड़े हैं, बोलते हैं ना, माय क्लासमेट एंड आई सिट ऑन एडजेसेंट बेंचेस, यानी कि हमारा बेंच आसपास है, आगे पीछे है, या यू नो ऑन टू द लेफ्ट एंड टू द राइट ऑफ ईच अदर, सो एडजेसेंट एंगल्स। नाउ ऑल लीनियर पेयर्स विल बी एडजेसेंट एंगल्स, लेकिन ऑल एडजेसेंट एंगल्स मे नॉट नेसेसरली बी 180 डिग्रीज, यानी कि हो सकता है कि आगे पीछे है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यू नो कि वी मे ऑलवेज गेट द सेम मार्क्स, नो। So, हमारे मार्क्स अलग अलग हो सकते हैं, उसी तरह से एडजेसेंट एंगल का आगे 180 डिग्री से ज्यादा हो सकता है, 180 डिग्री से कम हो सकता है, लेकिन जहां तक लीनियर पेयर का सवाल है, लीनियर पेयर विल ऑलवेज बी एडजेसेंट टू ईच अदर एंड द लीनियर पेयर का टोटल ऑल्सो विल ऑलवेज बी 180 डिग्रीज। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर पेयर एंड एडजेसेंट एंगल्स, इट विल ऑलवेज फॉर्म वॉट इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन, ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। Now, is it possible to draw OC such that the two angles are equal in size to each other? Of course you can. कैसे करेंगे? ये हो गया A, O, B. अभी ये यहां पर ऐसा है जहां पर ये वाला एंगल बड़ा है, ये वाला एंगल छोटा है, है ना? This is about 120 or 130 degrees. This is lesser than that. अगर इसमें हम सीधी डंडी करें तो यहां पर भी 90 होगा, यहां पर भी 90 होगा, ये पूरा दोनों राइट एंगल्स हो जाएंगे। सो इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ ओसी इन सच ए वे दैट द टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन साइज, 90 डिग्रीज ईच, 180 डिवाइडेड बाय 2। नाउ उसी चीज को पेपर के साथ समझाने की कोशिश की है, दिस इज फॉर योर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन इन द क्लासरूम, सो वी विल गो अहेड। ओके, नाउ दे फॉर्म द राइट एंगल्स, उसको जैसे मैंने पेपर से दिखाया, इसको करेंगे तो दिस बिकम्स अ राइट एंगल, दिस इज अ राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्रीज, ओके। यहां पर एक जोक भी मारा है इन्होंने, चुटकुला भी बनाया है, व्हाई शुडंट यू आर्ग्यू विद अ 90 डिग्री एंगल, बिकॉज दे आर ऑलवेज राइट, जोक भी मारते हैं एनसीईआरटी वाले।
ओके नाउ इफ अ स्ट्रेट एंगल इज फॉर्म्ड बाय हाफ ऑफ अ फुल टर्न हाउ मच ऑफ द फुल टर्न विल फॉर्म अ राइट एंगल. नाउ परपेंडिकुलर क्या होता है, समझने की बात परपेंडिकुलर की है. परपेंडिकुलर की बात यह है दैट इट विल बी लाइक दिस एंड लाइक दिस. ओके दैट इज दे मीट एट राइट एंगल्स. सो दिस मीन्स दैट दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर लाइन एंड वाइसी वर्सा. सो दैट इज सो टू लाइन्स दैट मीट एट राइट एंगल्स. राइट एंगल का मतलब 90 डिग्रीज, दे आर नोन एज परपेंडिकुलर. अगर ये रोड ऐसा जा रहा है, मेरे घर के सामने का रोड ऐसे जा रहा है और दूसरी एक और सड़क ऐसी है और यहां पर मिलते हैं ये सड़क और ये सड़क यहां पर ऐसे मिलते हैं, तो इसका मतलब दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर मीटिंग ईच अदर एट एग्जैक्टली 90 डिग्रीज. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड अ परपेंडिकुलर लाइन. नाउ यू कैन सी हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू सी इन द विंडोज ऑफ योर क्लासरूम. आपके क्लासरूम में खिड़की होगी. नाउ खिड़की गोलमोल तो नहीं होगी अनलेस द मिस्त्री इज वेरी बैड. टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं होगी अनलेस द मिस्त्री इज अ बिल्कुल डब्बा मिस्त्री. सो ऑल विंडोज विल बी ईदर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर इन शेप. ओके दो खिड़कियां होंगी खोलने के लिए, दो दरवाजे होंगे, तो ये राइट एंगल हुआ, ये राइट एंगल हुआ, ये राइट एंगल हुआ, ये राइट एंगल हुआ, है ना. और अगर दो खिड़कियां हैं तो दिस 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 ऑल दिस बिकम राइट एंगल्स. राइट व्हाट आर द अदर राइट एंगल्स दैट यू सी इन योर क्लासरूम. नजर डालो द डोर, जो दरवाजा है दैट विल ऑल्सो बी अ राइट एंगल, है ना. और क्या चीज होती है क्लासरूम में, योर ब्लैक बोर्ड दैट विल बी अ राइट एंगल. जो स्मार्ट बोर्ड है जहां पर मैं पढ़ाता हूं कभी कभी, ये जो लैपटॉप है दिस इज ऑल अ राइट एंगल. आपके क्लासरूम में क्या है, दीवारें, द वॉल्स विल ऑलवेज बी एट अ राइट एंगल टू ईच अदर, करेक्ट. सो ऑल दिस आर राइट एंगल्स. आपका जो डेस्क है, ओके, जिस डेस्क पर आप बैठते हैं दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ राइट एंगल. राइट यू देयर विल बी मेनी राइट एंगल्स. नाउ जॉइन ए टू अदर grid points in the figure by a straight line to get a straight angle. What are the different ways of doing it? Join A to, now isko straight line mein karne ke liye, yahan par straight line red line se banayi hui hai, to yahan par karenge, so this becomes a straight line. Yahan par karna hai, to yahan par karenge, it will become a straight line, right? Join A to other grid points in the figure by a straight line to get a right angle. Agar isko karna hai, to you will do this, you will do this, you can even, agar ye line hai, तो यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस ऑल्सो, है ना. नाउ यहां पर करना होगा तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहां पर तो छोटी लाइन बन जाएगी. ओके बट इट विल स्टिल बी अ राइट एंगल. ओके नाउ वही यहां पर हिंट की तरह बताया गया है. नाउ देन यू हैव टू प्रैक्टिस इट विद द पेपर, बट फ्रेंकली स्पीकिंग अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया पेपर वगैरह की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट यू कैन डू दैट इन योर क्लासरूम टू फर्दर अंडरस्टैंड. Now, what kind of angles are these? I already told you. I didn't tell you at that time. One is acute, one is obtuse, and one is right angle. These are the three kinds of angles. Right angle, though, I've already told you, it's 90 degrees. Acute angle is less than 90 degrees. Yani ki between 0 and 89 degrees will be acute angle. Obtuse will be greater than 90 degrees. That is from 91 degrees to 179 degrees will be known as an obtuse angle. So these are all acute angle. These are all less than 90 degrees. This is a right angle almost. This is an acute angle. This is an acute angle. This is definitely an acute angle. This is a right angle. This is a right angle. Right angle. Right angle. Okay. Right angle. These are all obtuse angle, which are more than 90 degrees. Okay, understood. So this is easy. So in the first group, this thing. So that's what I'm saying. In less than a quarter turn, less than a right angle. So they are known as acute angles. The one which are more than 90 degrees is obtuse angle. Very simple. Isme jyada sochne ki aur yaad karne ka zarurat nahi hai. Identify acute kar diya humne. Make a few acute angles and a few obtuse angles, drawing them different orientations. हमने वो करके, I mean orientations कैसे करेंगे? For example, ये हो गया acute angle, ये भी acute angle है, अलग-अलग orientation है ना? ऐसे भी कर सकते हैं, A के shape में, that is also an acute angle. This is also an acute angle. Similarly, obtuse angle ऐसा हो सकता है, which is more than 90 degrees.
आप इसको उल्टा करके भी कर सकते हैं, विच इज मोर देन 90 डिग्री, ये थोड़ा 90 डिग्रीज लग रहा है, इसको और बड़ा कर दीजिए, ये 90 डिग्री से ज्यादा ऑब्ट्यूस एंगल हो गया. डू यू नो व्हाट द वर्ड्स एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस मीन? एक्यूट मीन शार्प, बोलते हैं ना एक्यूट पेन, बोलते हैं ना आई हैव एक्यूट पेन इन माय स्टमक, व्हिच मींस वेरी शार्प पेन. और ये यहां पर क्यों यूज हो रहा है? बिकॉज ये जो वर्टेक्स है ये काफी शार्प है, इट्स लाइक ए शार्प नोज की तरह, सो इसलिए उसको एक्यूट कहते हैं. ऑब्ट्यूस का मतलब क्या है? थोड़ा स्प्रेड आउट है, ओके, इट इज स्प्रेड आउट, तो इसलिए उसको ऑब्ट्यूस कहते हैं. अरे डोंट बी वेरी ऑब्ट्यूस यार, मींस तुम शार्पली बात नहीं कर रहे हो, इधर उधर की बातें कर रहे हो, सीधे पॉइंट पर नहीं आ रहे हो, सो उसको भी इंग्लिश भाषा में ऑब्ट्यूस करके बोलते हैं. फाइंड आउट द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स इन ईच ऑफ द फिगर्स बिलो. नाउ ये एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट है, ये एक्यूट है, ये 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 सिमिलरली यहां पर भी काफी सारे एंगल्स बन जाएंगे. ओके, यहां पर तीन है, यहां पर तीन है, तीन तीन तीन, तो यहां पर 12 हो गए, यहां पर और ज्यादा होंगे बिकॉज इसमें एक और ट्राइंगल अंदर है. ओके, नाउ लेट्स कम टू मेजरिंग एंगल्स. इसको जरा समझ लो बिकॉज इसमें आप प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करेंगे, जिसको कि आम भाषा में हम डी कहते हैं, क्योंकि डी के रूप में होता है. नाउ दिस पर्टिकुलर एंटायर सर्कल इज 360 डिग्री. बोलते हैं ना कि हमको हमेशा एक 360 डिग्री व्यू होना चाहिए, यानी कि अगर हम किसी मुद्दे पर बात करें, इफ यू आर लुकिंग एट अ पर्टिकुलर इशू, यू शुड नॉट लुक एट इट ओनली कि ये पॉइंट का मेरे को समझ में आ गया. नो, यू शुड बी एबल टू लुक एट दिस इशू फ्रॉम दिस एंगल, फ्रॉम दिस एंगल. तो कहते क्या है इंग्लिश में, दैट यू शुड हैव अ 360 डिग्री व्यू. तो अगर एक मुद्दा है, अगर एक इशू है जिसको कि हम कंसिडर कर रहे हैं, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स रेट्स को बढ़ाना. ओके, अब बढ़ाने के फायदे हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं, तो क्या हम सीधा बोलेंगे अरे बढ़ा दो यार चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको क्या करना है? ओके, मेनू क्या की फर्क पड़ता. सो यू पुट दैट इन द सेंटर एंड एवरीवन सिटिंग अक्रॉस द टेबल विल डिस्कस दैट. सो यू हैव अ 360 डिग्री व्यू का मतलब, somebody from the income tax department, somebody from the agriculture department, farmers, somebody from the middle class working in the government sector, somebody from the sports field, somebody from a startup company, somebody from a scientific background, different people will give different inputs. So isko angrezi mein bolte hain ki you have a 360 degree view, ki hum puri tarah se ek particular mudde ko hum discuss kar rahe hain. To ek circle mein 360 डिग्रीज होते हैं, इस बात को हमेशा समझ लो. 360 ये काफी इंपॉर्टेंट डिजिट है. ओके, नाउ यू विल सी जब हम मेजर करते हैं इसको, अगर हम ये अगर इसको हम स्ट्रेट लाइन की तरह देख लें, सो दिस इज 180 डिग्रीज. तो यहां से हम जीरो से शुरू करेंगे, तो यहां से करते 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 यहां तक आएंगे, तो यहां तक हमको 180 डिग्रीज हो जाएंगे. फिर हम वापस पूरा सर्कल लगाएंगे, फिर वो 360 हो जाएगा. इसको हम बीच में करेंगे तो ये हो गया 90 डिग्री. सीधी लाइन नहीं बनी है मेरी, लेकिन 90 डिग्रीज. ओके, तो ये एक एक डिग्री से ऊपर बढ़ता है. तो यहां पर तक हमने देखा ये 30 डिग्रीज दिखा रहा है, राइट? सो दैट्स हाउ यू मेजर इट. तो मेजर करने के लिए, जैसे मैंने कहा ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर हम प्रोट्रैक्टर रखेंगे जो कि डी के शेप में होता है, तो उसको हम 180 डिग्रीज मेजर होके आता है. अगर इसको हम इस तरफ करेंगे ये भी 180 डिग्रीज होगा, लेकिन पूरा मिला के 180 प्लस 180 क्या होगा? 360 हो जाएगा. और इसका जो राइट एंगल है दैट इज 90 डिग्रीज, 90 यूनिट्स और 90 डिग्रीज. नाउ 360 डिग्री के बारे में एक हिस्ट्री दी है, बट बेसिकली आपको ये समझना है दैट 360 इज डिवाइडेड बाय 12, इट्स डिवाइडेड बाय 24. सो इन दैट सेंस इट इज अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ नंबर्स एंड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू दैट मेनी यूनिट्स. 12 मंथ्स इन अ ईयर, राइट? 24 आवर्स इन अ डे. सो इन दैट सेंस इट हैज अ सेंस ऑफ रिदम. ओके, जो हमारा दिन है और हमारा जो साल है उसके साथ एक रिदम बैठता है. 12 महीने 360 डिवाइडेड बाय 12, सिमिलरली 360 डिवाइडेड बाय 24 आवर्स इन अ डे. तो हमारा वॉच, जो हमारा जो क्लॉक है, वो भी पूरा 360 डिग्रीज है. 12 बजे से लेकर 12 बजे तक जाने तक कितना होता है? 360 होता है. तो अगर जो 3 बजे जब क्लॉक होता है, दैट इज अ राइट एंगल, है ना? ऑब्वियसली ड्रॉ करके बताऊं या समझ गए? तो
बारह तीन छ नौ, तो अगर 9 बजे हैं रात के तो दिस इज अ राइट एंगल। अगर इस एंगल को देखेंगे जब 8 बजे हैं तो क्या होगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल। 10 बजे होंगे सो दिस विल बी कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। समझ गए ना, ये एक्यूट एंगल है, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है। ओके, सिमिलरली सेम थिंग यू कैन डू, दिस इज अ राइट एंगल, दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, दिस इज ऑल्सो एन ऑब्ट्यूज एंगल, दिस इज अ स्ट्रेट एंगल। 12 से 6 बजे तक दिस इज अ स्ट्रेट एंगल। समझ में आ गया तो लिखो, समझ में आ गया। ओके, द सर्कल हैज बीन डिवाइडेड, ये तो हो गया, ये पेपर के साथ करना है। नाउ प्रोट्रैक्टर का, दिस इज अ प्रोट्रैक्टर, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ये जरूर होगा, नहीं होगा तो खरीद लो। ओके, और ये काफी टूटता भी है क्योंकि ये ग्लास का बना होता है नॉर्मली। सो इसमें आप देखेंगे, इसमें नहीं लिखा है लेकिन ये डिजिट्स यहां पर मेंशन किए होंगे जिससे कि आप मेजर कर सकते हैं। ओके, सो नाउ यू सी, तो ईच एंड एवरी एंगल, इसमें बताऊं, ओके, ईच वन इज 10 डिग्रीज, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहां पर हो गया 90 डिग्रीज। ओके, तो ये 9 हो गए। सिमिलरली यहां से भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये भी 90 है, तो ये दोनों मिलाकर 180 डिग्रीज हो गया। सो दैट्स हाउ इट इज कैलकुलेटेड। यहां पर जो आप देख रहे हैं, दिस इज एट द 5 मार्क, तो अगर आपका जो एंगल है, अगर यहां का एक लेट्स से बी और ये है ए और ये है ओ, तो आपको ए ओ बी को मेजर करना है, अगर ये एंगल मेजर करना है, सो इट विल बी 90, 100 एंड दिस इज 5 डिग्री, सो इट विल बी 105 डिग्रीज। लेट अस डू इट, एक दो करके देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। राइट द मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स के ए एल, सो के यहां पर है, ए यहां पर है, एल यहां पर है, तो यहां पर आप देखिए, ये हो गया 10, ये हो गया 10, ये हो गया 10, 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना होता है 30 डिग्रीज, करेक्ट। सिमिलरली इसमें से दो है, एक मैं करता हूं, दूसरा आप कीजिए, वॉल का मैं करता हूं, वॉल कहां पर है, डब्ल्यू ए और ये हो गया एल, तो यहां से हम देखें 10, 20, 30, 40, 50 कितना हो गया, ये हो गया 50 डिग्रीज। टक का कितना है ये आप बताएंगे, टी यहां पर है, के ए यहां पर है और के बिल्कुल ऊपर है, तो आप यहां से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये हो गया 11 बोला 12 बोला मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, so 120 degrees is the angle of TAK, ये भी हो गया। आगे चलते हैं, now this is the protractor that you find in your geometry box, so इसमें आप देखेंगे कि अगर आपको right to left measure करना है तो आप अंदर वाले इसको देखेंगे, अगर आपको लेफ्ट टू राइट मेजर करना है तो बाहर वाले, ये जो मेजरमेंट है 0, 10, 20, 30, 40, ये वाले देखेंगे, तो उस हिसाब से आप मेजर करेंगे। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल आपको देखना है एंगल यू ओ टी, तो यू ओ टी का मतलब है 10, 10, तो यहां पर क्या लिखा है 20, तो ये हो गया 20 डिग्री। ओके, लेकिन अगर आपको मेजर करने को बोलते हैं पी ओ टी, यानी कि पी पूरा टी, तो ये हो गया 20, यहां से लेकर मेजर करेंगे सो पी ओ टी इज 160 डिग्रीज। तो इट डिपेंड्स ऑन कि क्या एंगल आपसे पूछा गया है, तो क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखिए, टी ओ पी भी होता फिर भी इट वुड हैव बीन 160 डिग्री, सो इट डिपेंड्स ऑन कि कहां से आप उसको मेजर कर रहे हैं। So, did you include angles such as TOQ? TOQ का क्या मतलब है? T हो गया यहां पर, O यहां पर है, Q यहां पर है, तो T से लेकर आप protractor को रखेंगे ऐसे, okay? और यहां से लेकर यहां तक उसको measure करेंगे, तो आप you can just calculate 10, 10, 10, 10 के हिसाब से you can calculate, okay? So, that's how it is done. तो TOQ कितना होगा? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, और ये बीच में है, तो इसका मतलब है TOQ is 125 degrees, okay? ये questions आप करेंगे, very easy, you just have to make the measurement. There are lots of questions, मैं करता रहूंगा. Now, how, what is the degree measure of AOB? A यहां पर है, okay? B यहां पर है, तो आप
प्रोट्रैक्टर को डी को इस तरह से रखेंगे, ये जीरो से लेकर यहां पर करेंगे तो ये हो गया 80 डिग्रीज, करेक्ट। नाउ यू कैन मेक योर ओन कॉन्ट्रैक्ट प्रोट्रैक्टर विद यूजिंग साइक पेपर, बट वो सब जरूरत नहीं है जब आपके पास ऑलरेडी प्रोट्रैक्टर आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होगा, तो ये सब करने की खास जरूरत नहीं है। ओके तो इसको छोड़ते हैं ये सब। तो नाउ लेट्स कम टू एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है? ओके एंगल बाइसेक्टर का मतलब है, बाइसेक्ट का क्या मतलब है? बाइसेक्ट का मतलब है कि जो किसी चीज को डिवाइड करती हो। तो अगर ये एक एंगल है, ओके अगर बीच में से एक और लाइन जा रही है, दैट मींस इट इज बाइसेक्टिंग दिस पर्टिकुलर एंगल इनटू टू पार्ट्स, ये एंगल वन ये एंगल टू। तो ये बाइसेक्ट जो कर रही है, इट इज कॉल्ड एन एंगल बाइसेक्टर। द लाइन दैट बाइसेक्ट्स ए गिवन एंगल इज कॉल्ड द एंगल बाइसेक्टर। ओके सो दैट्स हाउ यू डू इट। जो जैसे पांच वाला है, दैट इज ए बाइसेक्टिंग ए 10 डिग्रीज। ओके तो ये हो गया एंगल। सो इसमें आप कैसे लगाएंगे प्रोट्रैक्टर को, किस तरह से लगाएंगे? बिकॉज आप सोचेंगे अरे मेरा प्रोट्रैक्टर तो ऐसा है, इसको मैं कैसे लगाऊंगा? ये लाइन है सीधी, ओके तो आप प्रोट्रैक्टर को ऐसे लगाएंगे, इसको जीरो मानेंगे और जीरो से इसको यहां तक लेके जाएंगे। ये शायद कुछ होगा 50 डिग्री और समथिंग, तो दैट वुड बी द कैलकुलेशन, या 40-45 या कुछ भी होगा। ओके सिमिलरली अगर आपको यहां पर लगाना हो, अगर आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं और इसको ऐसे मेजर करते हैं, इसको जीरो लेके आप ऐसे भी मेजर करते हैं, उतना ही आपको कैलकुलेशन आएगा। ओके इधर से करिए, ईस्ट से कीजिए, वेस्ट से कीजिए, तभी एक जैसे आएगा। यहां पे करना है आपको, यू कैन पुट द डी लाइक दिस एंड कैलकुलेट, और द अदर वे राउंड लाइक दिस ऑल्सो यू कैन पुट द डी। यहां पर कैसे करेंगे? यू कैन पुट द डी लाइक दिस, ये जीरो हो गया, जीरो से इसको लेके जाएंगे तो ये मेरे ख्याल से 110 डिग्री कुछ रहेगा या 105 कुछ रहेगा। ओके फाइंड द डिग्री मेजर्स फॉर द एंगल्स गिवन बिलो, चेक इफ योर पेपर प्रोट्रैक्टर कैन बी यूज्ड हियर। पेपर प्रोट्रैक्टर करने की जरूरत नहीं, ये करो सिमिलरली इस तरह से आप डी लगाइए, ये जीरो हो गया और उसके हिसाब से यू विल सी द एंगल। सिमिलरली इसको करना है तो आप डी को इस तरह से लगा के ये हो गया अराउंड 110 या 100 कुछ रहेगा, राइट? या इसको आप ऐसे भी लगा के करेंगे तभी ये 90 डिग्री से थोड़ा सा आगे रहेगा। ओके इसको अभी, हाँ ये एक इंटरेस्टिंग है, ये तो हो गया एक्यूट एंगल जो कि 90 डिग्री से कम है, लेकिन अगर बड़ा वाला करना है, ऑब्ट्यूस एंगल करना है, तो इसको कैसे करेंगे? आपको एक चीज तो मालूम है, ये पूरा कितना है, गोला, गोला कितना है, गोला है 360 डिग्रीज। तो आप सिर्फ प्रोट्रैक्टर को लगा के, प्रोट्रैक्टर को ऐसे लगा के इसके हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कीजिए। ओके ये जितना भी आता है उसको, लेट से ये 90 डिग्री से थोड़ा ज्यादा है, लेट से ये 100 है समझ लीजिए, तो 360 माइनस 100 तो ये हो गया 260 डिग्रीज। इस तरफ का गोला इज 260 डिग्रीज इज द डिग्री मेजर। ओके मेजर एंड राइट द डिग्री मेजरमेंट, सेम थिंग करनी है आपको, ऐसा लगाना है डी को और इसको मेजर करना है, दिस विल बी अबाउट 80। इसको मेजर कीजिए, सेम थिंग ऐसा कीजिए और इस तरफ मेजर कीजिए, दिस मे बी अराउंड 120 अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं अंदाजे से। ओके सेम थिंग हियर, सेम थिंग, ये सारे एंगल्स आपको इस तरह से यहां पर लगाना है, इसको इसको ऐसे लगाना है डी को, इसको आप ऐसे लगा सकते हैं, इसको कैसे लगाएंगे, इसको आप ऐसे लगा सकते हैं या ऐसा करके ऐसा भी लगा सकते हैं, दोनों तरफ से आपको एक ही आंसर मिलेगा। व्हाट इज, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ बी एक्स सी। मैं एक करता हूं, बाकी तीन आप कीजिएगा या सभी कर दो। बी एक्स सी, बी एक्स ई, तो यहां से आप लेके जा रहे हैं तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, यहां से आप लेके जाएंगे तो ये हो गया 115। बी एक्स ई इज 115, 110 है उसके आगे, इट इज showing that particular angle, okay? दूसरा कौन सा है, CXE, CXE, CXE कितना है 80 से ऊपर, so ये हो गया 85 degrees। AXB कितना है, A यहां पर है, X यहां पर है, B यहां पर है, तो इसको यहां के इसे देखेंगे तो ये हो गया 65 degrees। BXE कितना है, कहां पे, BXC, तो इसके बीच में देखना है। Now you see here, ये कितना है, यहां से लेकर यहां तक इसको कैलकुलेट करना है, तो देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग इट, कि इसको यहां से पूरा ले लो, ए एक्स से पूरा ले लो, ये हो गया 90 से थोड़ा ज्यादा, 95 95 माइनस
ये कितना है 65, सो 95 माइनस 65 30 डिग्रीज इज बीएक्सी। या और क्रॉस चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये करेंगे एक दो और ये इसका पांच, इसका पांच, तो 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 5 25 प्लस 5 30, तो क्रॉस चेक भी हो गया कि आपने कोई गलती नहीं की। सिमिलरली आप प्रोट्रैक्टर लगा के इसका डिग्री मेजरमेंट भी आप कर दीजिए। ओके, ये पेपर क्राफ्ट का है, इसमें तो कोई जरूरत नहीं है पेपर क्राफ्ट वगैरह, आई डोंट थिंक इन टुडेज दिस थिंग। नाउ कॉमन गलतियां क्या करते हैं, ओके नाउ अगर एंगल ये वाला ढूंढना हो तो अगर आप प्रोट्रैक्टर को ऐसे लगाएंगे तो नहीं चलेगा, आपको प्रोट्रैक्टर ये वाले लाइन के साथ अलाइन करके आपको प्रोट्रैक्टर ऐसे लगाना पड़ेगा। तो अगर आप प्रोट्रैक्टर को इस तरह से लगाएंगे और उसको फिर 35 डिग्रीज लिखेंगे तो बोलेगा बेटा डिग्री नहीं जीरो अंडा मिलेगा। ओके, तो ऐसी गलतियां आप प्लीज ना करें। सिमिलरली ये भी गलत है कि इसको आपको यहां पर लाइन है तो ये वाली जो लाइन है ये इसके ऊपर होनी चाहिए, ये डी को आपको थोड़ा और ऐसे करके उस रेड लाइन के साथ अलाइन करना पड़ेगा, ये भी गलत है। प्रोट्रैक्टर को तो ऐसे लगाना चाहिए था, प्रोट्रैक्टर शुड हैव कम लाइक दिस, अरे ये डी कैसे हो गया, ऐसे आना चाहिए था, ये वाला कैसे कीजिएगा। नाउ यहां पर 150 डिग्रीज गलत है बिकॉज एंगल ये वाला पूछा है, आपने ये वाला एंगल बता दिया, आपको बताना है 30 डिग्रीज बिकॉज मैंने क्या बोला था बाहर का डिजिट्स आपको देखने हैं, तो ये हो गया 10 20 30, लेकिन आपने क्या बता दिया, आपने ये वाला एंगल बता दिया जबकि आपको बताना था ये वाला एंगल। तो हालांकि आपने प्रोट्रैक्टर को सही लाइन पे लगाया है, लाइन सही पकड़े हैं, लेकिन कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दिए, आपने ये नहीं देखा कि भला मुझसे कौन सा एंगल पूछा गया है। ओके, उसी तरह से आप ये दोनों में जो गलतियां की हैं उसको भी आप देख सकते हैं। ओके, नाउ इस पे 85 लिखा है, 85 किस बेवकूफ ने लिखा है, ये होना चाहिए 105 क्योंकि ये यहां से एंगल पूछे हैं तो आपको बाहर के जो डिजिट्स हैं उसको देखना चाहिए, बाहर का डिजिट है 100 तो ये 105 होगा, लेकिन आप गलती से जल्दबाजी में पेपर खत्म करने की जल्दी में आप ध्यान से नहीं देख रहे हैं, तो ऐसे गलतियां ना करें। ओके, फिगर इट आउट। अब ये वाले इसमें से हम लास्ट पार्ट पे करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट आई विल मीट यू इन फिगर इट आउट बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बड़ी क्लासेस में भी इसके बेसिस पे आपसे कई सारे ट्रिकी सवाल पूछे जाते हैं। ओके, तो इस पर मैं थोड़ा ध्यान और देना चाहता हूं, तो यहां पर मैं वीडियो नंबर 2 को रोकता हूं, ब्रेक लगाता हूं, थर्ड वीडियो में फिर से हम फर्स्ट गियर से शुरू करके थर्ड पार्ट में इस पूरे लाइंस एंड एंगल्स के चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार का पूरा आपको समझ में आ गया एंड देयर आर नो डाउट्स, मजा भी आया एंड नाउ यू विल बी एबल टू यूज योर प्रोट्रैक्टर और डी इफेक्टिवली टू मेजर एनी एंगल्स दैट यू सी एनीवेयर। ओके, हर चीज को करेक्ट एंगल से देखो। ओके, टाटा बाय बाय, आई विल सी यू नाउ इन वीडियो नंबर